स्टॉप पुटिंग योर मनी इन द बैंक. आज तक कभी भी किसी ने एडवाइस नहीं दिया होगा ना, पैसे बैंक में ना रखें, फिर क्या करें उस पैसे का. एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो. गो टू अ बैंक और उस बैंक में जाके बोलो, मेरे पास एक जमीन है, मुझे उस जमीन के ऊपर घर बनाना है, उसके लिए मुझे आपसे एक लोन चाहिए. बैंक बहुत खुशी खुशी हंसते खेलते हुए इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन दे देगा. नाउ टू डेज लेटर गो टू द सेम बैंक एंड टेल देम, आई वॉन्ट अ लोन फ्रॉम योर बैंक एंड आई वॉन्ट टू बाय द शेयर्स ऑफ योर बैंक एंड देयरफॉर आई नीड अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज. क्या लगता है आपको, बैंक लोन देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा. द बैंक इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट लोन. When the bank is unsure whether their shares are going to grow or not, why do you put your money over there? The interest that you are getting upon your money is less than the inflation rate. यानी महंगाई दर ज्यादा है और जो आपके उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है वो उससे कम है. आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है. आप उस पैसे को जाके बैंक में रख दोगे, वो बड़ा नहीं होगा, वो आगे नहीं जाएगा. बैंक में जाके कोई अमीर नहीं बनता. ये वो एडवाइस है जो कि आपको बहुत पहले से दी गई है. Change it, people. You got to change this today. If you don't change it today, things are not going to work out for you. Understand that. Rather, put that money upon your own self. Put that money upon your growth, upon your learning, upon your transformation. Enroll in a program. Enhance your skills. Make yourself deserving enough. Or put that money and invest it into something which gives you passive income. Sirf ek jagah pe paisa atka ke mat dalo. ये मत सोचो कि आज मैं एक लैंड ले लूंगा, उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी. पुट इट समवेयर वेयर इन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ और फ्रॉम द थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी आउट ऑफ इट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दैट बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस. स्टॉप पुटिंग योर मनी इन द बैंक. सम परसेंटेज यू हैव टू, इट्स अ मैंडेट, डू इट. रिमेनिंग एवरीथिंग पुट इट इन समथिंग दैट स्टार्ट्स गिविंग यू आइदर वैल्यू और पैसिव इनकम वेयर इन यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ और यू आर मेकिंग सम मनी आउट ऑफ इट. Don't dump it somewhere. Similarly, don't just put your money in gold and things like that. Your money is being dumped over there. I don't do it. I only put my money upon my team, my business, my work, my growth, my investments, my courses, my programs, my events, because that is how we grow our organization. Aur wahi cheez aapko bhi karni hai boss. Jitna jaldi ye cheez samajh jaoge utna zyada acha ho jayega. Paise bachane ki mansikta se ameer nahi bana jata. पैसे, मेरे को सच बताता हूं, जितना रुपया मेरे को कमाने में खुशी होती है उतना ही जब मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं या लोगों की सैलरीज देता हूं या अलग अलग चीजों के ऊपर खर्चा करता हूं उतना ही खुशी मुझे तब भी होती है. क्योंकि देखो, बैंक्स अमीर बनते हैं क्योंकि बैंक्स ऐसे ही काम करते हैं. वो रोटेट करते हैं, उनके पास पैसा आता है, वो उस पैसे के फ्लो को आगे भेजते हैं, इंटरेस्ट के थ्रू पैसा कमाते हैं. अगर मेरे पास भी सिर्फ पैसा आता रहेगा और वो आगे खर्च नहीं होगा, यूटिलाइज नहीं होगा, समझो खर्च नहीं हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है. जब तक आप उस पैसे को यूटिलाइज नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, दैट मनी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी मैनर. मेक सेंस? आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिगर आउट करो कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको आज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, विच इज गोइंग टू लिटरली चेंज योर लाइफ. एंड देन व्हेन यू वुड बी एबल टू फिगर दैट आउट, उसके ऊपर पैसा लगाने से पहले डरो मत. इट इज मच बेटर देन पुटिंग योर मनी इन अ बैंक. टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन which all topics you want me to cover, and yours truly would be more than happy to do it for you. Bye-bye.